तो यूपी में मदरसों को आधुनिक बनाने का काम लगातार जारी है। इसे लेकर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि मदरसों में एनसीईआरटी के कोर्स लागू हैं और योगी सरकार अब मदरसों में एआई की पढ़ाई भी करवाने जा रही है, जिससे मदरसों के बच्चों को भी लाभ हो रहा है। मदरसों को लेकर यूपी सरकार ने बड़े प्लान तैयार किए। हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री दानिश जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ ये पूरा प्लान है मदरसों को लेकर, चूंकि लगातार प्रधानमंत्री भी कहे हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान का जो ईंधन है वो लेकर, तो क्या कुछ ये प्लानिंग है, कैसे काम किया जा रहा है? आज उत्तर प्रदेश के मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स लागू है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, और उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए हमने मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी उनके पढ़ाना शुरू किया। ये 4 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई और हर दिन एक क्लास अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उस पर हर दिन एक क्लास हो रहे हैं। आज 25 तारीख है और लगभग 20 दिनों से लगातार ये चल रहा है और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। 20 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा व्यूवर्स इसमें हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं। टीम यूपी एआई हमने एक वेबसाइट बनाया है, इसका यूट्यूब चैनल भी है और डायरेक्ट मदरसे के बच्चे, माइनॉरिटीज़ हमारे बच्चे इसको देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और डिजिटली भी पावरफुल हो रहे हैं। मकसद ये है कि मदरसे का बच्चा वो किसी भी फील्ड में किसी बाकी बोर्ड से पीछे ना रहे। हमारे मदरसे का बच्चा बहुत ही शार्प माइंडेड होता है और उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और मैं कह सकता हूँ कि योगी सरकार पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। ये बतौर अगर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा में जैसे स्मार्ट क्लासेस होता है वैसे ही कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि उससे बच्चे जो है तमाम चीज़ें सीख सकेंगे। देखिए उससे भी आगे बढ़ के हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने की शुरुआत मदरसा बोर्ड ने की, ये अपने आप में एक अनूठी और पहली पहल है। तो इससे डायरेक्ट हमारे बच्चों को लाभ मिल रहा है और हमारे बच्चे भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से डिजिटली हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष कहता है कि मदरसों को लेकर राजनीति करती है, काम नहीं करती, तो आपका ये जो कदम है ये बच्चों की बेहतरी भी होगा, विपक्ष को जवाब भी होगा, इस तरह देखा जाए? देखिए विपक्ष ने हमेशा बड़े दुख की बात है कि मुसलमानों को वोट बैंक समझा और मदरसा शिक्षा के साथ इसी विपक्ष ने हमेशा खिलवाड़ किया। जब बसपा शासन रहा उत्तर प्रदेश में, जब समाजवादी पार्टी का शासन रहा उत्तर प्रदेश में, तब कितनी बुरी व्यवस्था थी मदरसों की। उन्होंने मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन योगी सरकार आज मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए काम कर रही है, मुस्लिम नौजवानों को एजुकेशनली पावरफुल बनाने के लिए काम कर रही है। तो इस बात से विपक्ष परेशान है।